नौकरियों के लिए परीक्षा अब अभ्यर्थियों के लिए अग्नि परीक्षा बन चुकी है। फर्जी डिग्रियों, फर्जी अभ्यर्थियों और पेपर लीक का जाल इस तरह से फैला है कि इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। पुलिस अब तक इन मामलों में कोई कठोर कार्रवाई करने में भी नाकाम रही है। किस तरह का है ये जाल, देखिए इस रिपोर्ट में। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के नेटवर्क आरपीएससी ही नहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों से भी जुड़े हैं। सरगना भूपेंद्र सारण अधीनस्थ बोर्ड की पीटीआई, फायरमैन और एनटीटी भर्ती में भी फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी लगवाने की फिराक में था। इसके लिए यूपी, नागपुर और जम्मू से अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री और डिप्लोमा तैयार कराए गए हैं। राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि सरगना ने इसके लिए अभ्यर्थियों से 2 से 3 लाख रुपए तक वसूले हैं। कई अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेज पहुंचा दिए गए हैं, जिनके पैसे नहीं आए, उनके फर्जी दस्तावेज देने बाकी थे। सरगना के घर में पुलिस को बीपीएड की डिग्री, एनटीटी और फायर एंड सेफ्टी में इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सर्टिफिकेट मिले। वे अधीनस्थ बोर्ड की तीनों भर्तियों से संबंधित है। ये तीनों ही दस्तावेज भर्ती में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। इन तीनों ही भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होना बाकी है। इस प्रक्रिया में साठ गांठ कर फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने की तैयारी थी। जिन भर्तियों में फर्जीवाड़े का प्रयास हुआ उनमें तीसरा नाम फायरमैन भर्ती का है। बोर्ड की ओर से फायरमैन 600 और सहायक अग्निशमन अधिकारी की 29 पदों पर भर्ती की जा रही है। फायरमैन परीक्षा में 6040 और सहायक अग्निशमन अधिकारी परीक्षा में 294 अभ्यर्थी पास किए। अभी इनका फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इसके बाद करीब 1200 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के लिए फर्जी डिप्लोमा लेने का खेल चल रहा है। सत्यापन डीएलबी की ओर से होना है। इस प्रक्रिया के लिए भी साठ गांठ की जा रही है। पड़ताल में सामने आया कि यूपी, एमपी, जम्मू, महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री तैयार कराने वाले विश्वविद्यालयों के विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय से जुड़े लोग साइन किया हुआ डिग्री और अंक तालिकाओं का फॉर्मेट दलालों को भेजते हैं। जिन जिन अभ्यर्थियों से सौदा होता है उनके नाम, डिग्री और अंक तालिका जारी कर दी जाती है। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को बाद में भेज दी जाती है। विश्वविद्यालय उसके आधार पर अपने पास रिकॉर्ड रखता है। सीकर, यूपी, एमपी की विश्वविद्यालयों में धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा ने माना कि पुलिस को कुछ विश्वविद्यालयों की फर्जी बीपीएड डिग्री डिप्लोमा मिले हैं। इसके लिए पीटीआई और फायरमैन भर्ती में हम पूरी सतर्कता बरतेंगे। हमने इसकी रूपरेखा बनाई है। अभ्यर्थियों के आवेदन की जानकारी और दस्तावेज का मिलान करेंगे। विश्वविद्यालयों से उपस्थिति मंगाएंगे। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।